दोस्तों आप देख रहे हैं YouTube किसान अंबिका चैनल और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों आज आपको दिखाने जा रहे हैं बलकार कंपनी की हार्वेस्टर। जैसा कि बहुत सारे किसानों के मन में रहता है कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र रहते हैं जहां पर सूखले की बड़ी समस्या होती है, तो बलकार कंपनी यही मशीन निकाल कर लाई है जिसमें आपको गेहूं कटाई के साथ साथ यहां पर गेहूं का भी स्टोर करेगी और सूखले का भी स्टोर करेगी। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का अंत तक। युवराज सिंह सोनगरा, गाँव अमलिया, तहसील मरागढ़, जिला मंदसौर। हम आपको आज बताने जा रहे हैं बलकार 654 साथ में भूसा बनाने वाली हार्वेस्टर। हमारे एरिया में क्या है कि छोटे किसान बहुत है जिनको भूसे की आवश्यकता होती है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बलकार हार्वेस्टर ने ये ऐसी हार्वेस्टर बनाई है जो साथ में गेहूं को काट भी देती है और साथ ही साथ सूखला भी साथ में बना के देती है। इसमें आगे इन्होंने एक और सिस्टम दे रखा है, अगर लकीली कभी कोई गेहूँ काट भी लेता है तो उसको निकालने के लिए भी इन्होंने व्यवस्था दे रखी है। ये टोकरी बना के रखी है, इस टोकरी से क्या होता है जो पूरे जो ढेर रहते हैं, ढेर के पुली बाय पुली इसके अंदर डालते रहते हैं अपन, और ये पूरा सूखला उसके अंदर स्टोर कर देती है और गेहूं को ग्रेन टैंक में स्टोर कर देती है। 133 HP का अशोक लेलैंड का इंजन दे रखा है और इसमें भी 16930 के टायर हैं। ये अपने को स्ट्रो बॉक्स मिलेगा पीछे, ये बाय हाइड्रोलिक पंप कहीं भी अपने को ढेर करना होता है अपन वहाँ इसको ढेर कर देते हैं। इसमें जो ग्रेन टैंक है 8 क्विंटल का ग्रेन टैंक है, और ये जो सूखला जो स्टोर करेगी ये कितने बीघे का इसमें स्टोर कर लेगी? इसमें ऐसा रहता है कि हर क्षेत्र में अलग अलग बीघे का सिस्टम रहता है, कहीं बीघा 20 आरी का रहता है, कहीं बीघा 25 आरी का रहता है, तो 1 से 1.5 बीघे का गेहूं का जो सूखला है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और गेहूं से निकालने की क्वालिटी है वो भी अच्छी है, इनकी अंदर ब्लेड सिस्टम दे रखे हैं, ब्लेड्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे दे रखे हैं और ब्लेड्स की संख्या काफ़ी है इसमें दे रखी है। उससे क्या होता है कभी गीला माल भी अगर निकालने का होता है सिस्टम, कभी कभी क्या होता है कि गेहूं पूरे सूख नहीं पाते हैं, तो दूसरी कंपनियों की तुलना में ये कंपनी इसलिए सक्सेस है कि इसमें ब्लेड छोटे दे रखे हैं। दूसरी कंपनी वालों ने ब्लेड बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, वो समस्या आती है, ब्लेड्स बहुत तोड़ती है। इसमें दूसरा मेंटेनेंस भी नहीं है जितना अदर कंपनियों की से तुलना करेंगे अपन। तो इसमें इंजन भी अशोक लेलैंड का 133 hp का इंजन दे रखा है। गेहूँ के अलावा और कौन कौन सी फसल निकालेगी ये अगर अपने बंडल बना के रख रखे हैं तो सभी प्रकार की फसल निकाल देगी। ये सोयाबीन भी निकाल देगी, सरसों भी निकाल देगी, अलसी भी निकाल देगी, गेहूं भी निकाल देगी अगर बंडल है, मेथी भी निकाल देगी जो अपने इस अंचल में चलते हैं जी MP में खासकर। कटाई की बात करते हैं और काट के और अगर खड़ी फसल है तो ये सरसों भी निकाल देगी और साथ में भूसा सोयाबीन भी काट देगी। दोनों तरह से काट देगी, सोयाबीन भी काट देगी साथ साथ, दोनों तरह से काट देगी। आप खड़ी भी काट सकते हो, ढेर भी निकाल के काट सकते हो, इसको आप जैसी मर्जी पड़े वैसे निकाल सकते हो। और कंपनी ने अभी इसमें बहुत सा सिस्टम चेंज कर दिया है, नए मॉडल में कभी कोई पत्थर वगैरह आ जाता है तो उसके लिए भी अलग से स्टोर दिया है। इसमें पत्थर टोकरी के अंदर चला जाएगा, इसके अंदर आप दिन भर किसान चलाए और शाम को पत्थर सारे निकाल सकता है इसके अंदर, पत्थर के लिए। और एक गोटे के लिए भी हाइट ऊंची कर दी है ताकि वो पत्थर वगैरह या कोई गीला माल फंस जाए तो निकाल सकता है। इसीलिए एक बलकार कंबाइन ने सोचते हुए नई टेक्नोलॉजी से बनाई गई है और भी नए नए सिस्टम चेंज करती रहेंगे। जी सर, ठीक है, ओके सर, धन्यवाद।